नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल शुरू हुई 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने के साथ ही भारतीय टीम का इंग्लैंड में सीरीज जीत कर रिकॉर्ड बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया। जहां एक ओर 378 रनों का लक्ष्य हासिल करके इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया, तो वहीं टीम इंडिया का रिकॉर्ड ही बिगड़ गया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत किसी टीम को 350 रनों से ज्यादा का टारगेट देकर भी मैच गंवा बैठा। लेकिन जब यह मैच चल रहा था, तब चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे ब्रिटेन के नस्लवाद की तस्वीर एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। आपको याद होगा कि जब पिछले साल टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी, तो हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। ये घटना उस वक्त घटी थी जब सिराज बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। कुछ ऐसा ही भारत इंग्लैंड के बीच खेले गए इस 5वें टेस्ट मैच में भी देखने को मिला। चौथे दिन का मुकाबला काफी रोमांचक था, लेकिन एक तरफ तो खिलाड़ी मैदान पर जीत के लिए जूझ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के कुछ फैंस भारतीय फैंस पर नस्लवादी यानी कि रेसिज्म वाली फप्तियां कस रहे थे। भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें मैच के चौथे दिन नस्लवाद का सामना करना पड़ा। यह मामला तब सामने आया जब एक यूजर ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुआ पूरा वाकया शेयर किया। उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड के फैंस ने एरिक हॉलीज स्टैंड में सीधे तौर पर भारतीय फैंस के साथ नस्लवादी टिप्पणियां की, जिससे उन्हें बेहद दुख हुआ है। नस्लवादी टिप्पणी का यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। मैच के दौरान नस्लवाद का मामला सामने आने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और एजबेस्टन मैदान के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का वादा भी किया। एजबेस्टन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि इस तरह की बातें सुनकर हैरान हूं, क्योंकि हम एजबेस्टन में सभी के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे हैं। ट्वीट के बाद उस व्यक्ति से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में तेजी से आगे जांच की जाएगी। इसके अलावा ईसीबी की तरफ से भी बयान आया कि हम टेस्ट मैच में नस्लवादी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट मिलने से बहुत चिंतित हैं। हम एजबेस्टन में सहयोगियों के संपर्क में हैं जो मामले की जाँच करेंगे। क्रिकेट में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है। एजबेस्टन सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और एजबेस्टन स्टेडियम अथॉरिटी दावे तो बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इंग्लैंड के किसी मैदान पर भारतीय फैंस को नस्लभेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा हो। बल्कि इससे पहले तो खिलाड़ियों को भी इस तरह की ओछी टिप्पणियां सुनने को मिल चुकी हैं। लिहाजा BCCI को इस मामले पर ICC से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।